नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विशेष और आपके साथ मैं आलोक राजपूत एक बार फिर हाजिर हूं एक और विशेष मुद्दा लेकर। तो क्या है आज का विशेष मुद्दा? मुद्दा है एक ट्वीट जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसे पोस्ट देखने को मिले जिसमें दावा किया गया है कि नीरव मोदी ने गिरफ्तार होने के बाद बयान दिया है कि कांग्रेस के नेताओं ने 456 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर नीरव मोदी को देश से भगाने में मदद की है। और इस तरह के पोस्ट को कांग्रेस विरोधियों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खूब धड़ल्ले से शेयर भी किया गया। लेकिन जब न्यूज विशेष की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हमने पाया कि पोस्ट के पीछे की हकीकत तो कुछ और ही है। तो क्या है हकीकत? दरअसल भगोड़ा नीरव मोदी लंदन पुलिस द्वारा 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मोदी की गिरफ्तारी के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। ये खबर थी हिंदुस्तान के जाने माने न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया की, जिसमें दावा किया गया है कि नीरव मोदी ने गिरफ्तार होने के बाद बयान दिया है कि भाजपा के नेताओं ने, जी हाँ कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं ने 456 करोड़ की रिश्वत लेकर नीरव मोदी को देश से भगाने में मदद की। कई यूजर्स ने न्यूज 18 इंडिया द्वारा की गई इस खबर को धड़ल्ले से शेयर भी किया है। खबर का शीर्षक है, लंदन में नीरव मोदी का बड़ा बयान, भागा नहीं भगाया गया, 456 करोड़ कमीशन लिया भाजपा नेताओं ने। आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया का ये ट्वीट। तो अब सवालों के घेरे में फंसी है बीजेपी और बीजेपी के नेता। तो क्या बीजेपी नेताओं ने नीरव मोदी से 456 करोड़ का कमीशन लिया है? और क्या नीरव मोदी ने सच में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई बयान दिया है? क्या है इस खबर के पीछे की हकीकत? कौन बताएगा आपको? हम बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि जहां जहां इस खबर को शेयर किया गया है उनमें से किसी भी यूजर ने न्यूज 18 इंडिया के ट्वीट को शेयर नहीं किया है। शेयर किया गया है तो सिर्फ इस खबर का स्क्रीनशॉट। इस वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने पाया कि वायरल फोटो में ट्वीट 22 मार्च 2019 को सुबह 9:02 पर पोस्ट किया गया। फिर हमने न्यूज 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल की जांच की और पाया कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 22 मार्च को 9:02 पर जो पोस्ट किया गया था वो कुछ और ही था। दरअसल न्यूज 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर नीरव मोदी से संबंधित एक खबर को ट्वीट गए और इस खबर को एडिट करके खबर की असली शीर्षक की जगह विवादित बयान डालकर इसे वायरल कर दिया गया। और आप में से कुछ लोगों ने इस पोस्ट को खूब शेयर भी किया। तो इस खबर का निष्कर्ष ये निकाला गया कि ना तो बीजेपी नेताओं ने नीरव मोदी से कोई कमीशन लिया और ना ही कांग्रेस नेताओं ने, और ना ही नीरव मोदी ने इनमें से किसी के खिलाफ कोई बयान दिया है। और आप सभी से भी हमारी गुजारिश है कि इस तरीके की झूठी खबरों पर ध्यान ना दें, इस तरह की किसी भी पोस्ट को शेयर ना करें और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रहें। अगर आपको भी ऐसी कोई खबर मिलती है उसके पीछे की हकीकत को जान लीजिएगा और उसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश विदेश और अपने राज्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। न्यूज विशेष प्योरो।